नीमच में सीएम की सख्ती के बाद नीमच जिला पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आई है। एसपी राकेश सागर ने माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मादक माफियाओं पर सफेमा की कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें जिले के नामी तस्कर भी शामिल है। इन्होंने तस्करी की दुनिया में काली कमाई से करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई है। वहीं एसपी राकेश कुमार सागर ने भू माफियाओं को भी चिन्हित किया है। अब अगली कार्रवाई भू माफियाओं पर होगी। जी सर, ये जो अभी भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इसमें अभी तक कितना क्या हो चुका है? देखिए, अभी दो लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी की कार्रवाई आज हुई है, और इसके अलावा जो उन पर अपराध पंजीबद्ध थे उनमें गिरफ्तारी की गई है। साथ में जिले में करीबन आधा दर्जन भू माफिया और आधा दर्जन सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है। साथ में ही करीबन एक दर्जन जो आपके ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और इसमें हम इनका जो है सफेमा के तहत कार्रवाई करेंगे, और उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई है और उसको हम रास्ता कराने की कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, कितना लिस्ट होगी? मतलब इन्होंने अभी तो दर्जन लोगों को चिन्हित किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद फिर पहले अपर लेवल से फिर नीचे जाते हैं, ऊपर का हो जाएगा, फिर और नीचे करते जाएंगे कार्रवाई। ठीक है सर।